अडानी की फुल स्टोरी जानने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Shah, and you are watching Nabeel Verse. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो मैं अभी देखने वाला हूँ ध्रुव राठी की नई वीडियो जो कि 8-9 घंटे पहले आई है, जिसका टाइटल है अडानी एंड मोदी द फुल स्टोरी ऑफ फ्रॉड एलिगेशन ध्रुव राठी। यार बेसिकली मैंने अडानी के ऊपर एक वीडियो देखी थी जो के पोस्ट की थी, अभी है न्यू ने वो चैनल पे पोस्ट है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अडानी की फुल स्टोरी ध्रुव राठी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो वीडियो देखते ताकि ध्रुव राठी का पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा देखने को हमें समझने को मिले। देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, सो लेट्स फर्दर डू माइंडली जंप इनटू द वीडियो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को निकले एक महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी एक के बाद एक नए आरोप लगते जा रहे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। कुछ दिन पहले की ही बात है, विकिपीडिया ने आरोप लगाया अडानी के ऊपर ये कहते हुए कि अडानी ने अपने विकिपीडिया पेजेस को मैनिपुलेट किया फर्जी अकाउंट्स और अनडिक्लेयर्ड पेड एडिटर्स का इस्तेमाल करके। इससे पहले रिसेंटली पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हुई, जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने सवाल किए प्रधानमंत्री मोदी से उनके एलिजिड अडानी के साथ रिश्ते को लेकर। यहाँ एक फोटो भी दिखाई गई पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी की अडानी के साथ, जिसको लेकर काफी हल्ला मचा और बाद में राहुल गांधी के रिमार्क्स को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा भी दिया गया। आखिर क्या है ये आरोप और कितना सच है इनमें, आइए आज के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अडानी जी और मोदी जी एक हैं, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है। Flew of deals across sectors from defense to airports to part almost always went to the Adani group. इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, ये पहली बार तो नहीं है कि किसी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले हमें देखने को मिला हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, सहारा स्कैम, विजय माल्या के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए, ललित मोदी के बारे में कहा गया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी। और अगर हम कॉर्पोरेट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को एक साइड रख भी दें तो सरकार के ऊपर भी ऐसे ही आरोप पहले भी लगे हैं। कांग्रेस की सरकार को कहा गया बोफोर्स स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ का स्कैम। लेकिन इस बार जो हो रहा है वो शायद देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार है कि किसी एलिजिट स्कैम में जनता के पैसे डूबे हो और जनता में से कुछ लोग खड़े होकर इन्वेस्टिगेशन डिमांड करने की जगह उस कंपनी को या सरकार को ही डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए। ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाता है #IStandWithAdani। अब मतलब ये जो लोग अडानी के फेवर में खड़े हो रहे हैं, ये अडानी के एम्प्लॉयज होते हैं या अडानी के स्टॉक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो लोग होते हैं, तो समझ में आती है फिर भी कुछ हद तक बात। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो ना तो अडानी के एम्प्लॉयज हैं ना ही अडानी के स्टॉक होल्डर्स हैं, फिर भी अडानी को डिफेंड करने के लिए सबसे पहले आगे खड़े होते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो विजय माल्या के केस में किसी ने हैशटैग चलाया होता है आई स्टैंड विद विजय माल्या। सोचो कोई बंदा कॉमनवेल्थ स्कैम के केस में कांग्रेस को डिफेंड करे और कहे कि नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, आप सवाल पूछना बंद करो, यहाँ पर कुछ गलत नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम तो लोगों के दिमाग के साथ किया गया है। मतलब बेसिक लॉजिक, कॉमन सेंस और डेमोक्रेसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर दिया गया। ये लोग कहते हैं कि अडानी पर सवाल मत करो क्योंकि अडानी एक इंडियन बिजनेसमैन है, अडानी ग्रुप ने इतनी सारी नौकरियां दी हैं, इंडिया की डेवलपमेंट में हाथ बटाया है। क्या इस बात का कोई सेंस बना? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं कि अडानी ग्रुप का एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। पहले जॉब्स देख लेते हैं। अडानी एक समय पर इंडिया के रिचेस्ट आदमी थे, एशिया के रिचेस्ट आदमी थे, इनफैक्ट दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट आदमी थे। उस वक्त इनकी नेटवर्थ 12.44 लाख करोड़ रुपीस थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद बहुत घटी है ये नेटवर्थ, लेकिन अभी भी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग इनकी नेटवर्थ बताई जाती है 4.3 लाख करोड़ रुपीस। इतने अमीर आदमी, इतनी सारी कंपनियां इनके अंदर है, तो इनकी सारी कंपनियां बहुत सारे लाखों लोगों को जॉब्स दे रही होंगी ना, सोचकर तो यही लगेगा। लेकिन अडानी की खुद की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप करीब 23,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है, सिर्फ 23,000 जॉब्स। लेकिन आप कहोगे शायद कि ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, हमें बाकी और प्राइवेट कंपनी से ही कंपेयर करना चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं। नंबर वन प्राइवेट कंपनी जो सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करती है इंडिया में वो है टाटा ग्रुप की कंपनीज, 9 लाख से ज्यादा जॉब्स। फिर है इंफोसिस, 3 लाख से ज्यादा जॉब्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2,36,000 जॉब्स, विप्रो 2,31,000 जॉब्स। अडानी कंपनी का नाम यहाँ पर टॉप 25 की लिस्ट में भी नहीं आता। अपनी सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को देख लीजिए,
2.7 लाख एम्प्लॉइज, इंडियन रेलवे 12.5 लाख एम्प्लॉइज, अमूल जैसी कंपनी लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है 36 लाख किसानों को। ओवरऑल एग्रीकल्चर के सेक्टर में 15 करोड़ से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो नंबर्स देखोगे तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है अडानी ग्रुप का इंडिया में जॉब्स देने में। दूसरा, चलो जॉब्स नहीं, शायद टैक्सेस में तो बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा क्योंकि इतनी बड़ी नेटवर्थ है। बिजनेस टुडे के द्वारा कंपाइल की गई इंडिया की टॉप 10 टैक्स पेयर कंपनीज की लिस्ट देख लीजिए। टॉप पर है रिलायंस, फिर SBI, फिर TCS, HDFC बैंक, वेदांता, JSW स्टील, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, LIC, इंफोसिस, कोल इंडिया। यहाँ पर अडानी का नाम तो कहीं नहीं दिखा। कई लोगों ने ये चीज पॉइंट आउट करी कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी लेकिन इनकी कंपनीज टॉप 10 टैक्स पेयर कंपनीज में भी नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि टैक्स लगाया जाता है प्रॉफिट के बेसिस पर, ना कि नेट वर्थ के बेसिस पर। तो चलो प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। moneycontrol.com के अकॉर्डिंग अडानी एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट 12 महीने के लिए मार्च 2022 में था 1,113 करोड़ रुपए। यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको कि जितनी ये बाकी सारी कंपनीज टैक्स देती है उतना अडानी का प्रॉफिट भी नहीं है? अगर इनका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं है तो इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों है? क्या इनकी किसी कंपनी ने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन करी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा हो, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक, टेस्ला जैसी कंपनीज होगी? लेकिन देखकर तो ऐसा भी नहीं लगता। तो ऐसा क्यों है? इनका जवाब शायद कहीं इन आरोपों में ही तो नहीं छुपा। आइए अब एक एक करके दोस्तों इन सारी नई एलिगेशंस को देखते हैं, स्पेशली वो एलिगेशंस जो इंडियन पार्लियामेंट में लगाई गई। सबसे पहला आरोप है लैंड स्कैम का। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त गुजरात में अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को जमीन की जरूरत थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने के लिए, तो उन्होंने जमीन खरीदी। जैसे कि के रहीजा कॉर्पोरेशन ने जमीन खरीदी 470 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। मारुति सुजुकी को जमीन मिली 670 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। फोर्ड इंडिया, टाटा मोटर्स, TCS ने करीब 1,100 रुपए दिए पर स्क्वायर मीटर। टॉरेंट पावर ने 6,000 रुपए दिए पर स्क्वायर मीटर। लेकिन जब अडानी ने अपनी जमीन खरीदी पोर्ट बनाने के लिए तो उन्हें ये जमीन मिली सिर्फ 32 रुपए पर स्क्वायर मीटर में, और ये मैक्सिमम था। कुछ जगहों पर इस जमीन का प्राइस 1 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक था। ये मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, 26 अप्रैल 2014 का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, हेडलाइन पढ़ सकते हो, अडानी ग्रुप गॉट लैंड एट चीपेस्ट रेट्स इन मोदीज गुजरात। तो आरोप यहाँ पर ये कि जमीन घोटाला हुआ। इसके बाद अप्रैल 2015 में CAG ने अपनी गुजरात SLB में रिपोर्ट दिखाई। इन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने फॉरेस्ट लैंड को सही तरीके से क्लासिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से करीब 58.64 करोड़ रुपीज का बेनिफिट पहुंचा गौतम अडानी प्रमोटेड मुंद्रा पोर्ट को। ये चीज हुई साल 2008-09 में। इसके बाद 2022 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सेम चीज को दोबारा दोहराया। इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन करी जानी थी जमीन की इको क्लास 2, लेकिन इसे क्लासिफाई किया गया इको क्लास 4, जिसकी वजह से सरकार को 58.67 करोड़ रुपीज का नुकसान हुआ। और सरकार के पैसे का नुकसान मतलब जनता के पैसे का नुकसान। दूसरा आरोप है फॉरेस्ट की जमीन का दुरुपयोग किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने मई 2014 में, और टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए अक्टूबर 2014। सेंटर क्लियर 370 एकड़ फॉरेस्ट लैंड फॉर अडानी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये हुआ महाराष्ट्र में। इसके बाद 2018 में और 142 हेक्टेयर्स को सैंक्शन किया गया, इस बार सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, और दोनों को उस वक्त बीजेपी के द्वारा हेड किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्स में कहा कि ये जो फॉरेस्ट जमीन डिमांड करी गई है इनके द्वारा, ये बेरेस्ट मिनिमम है, और इस जमीन को दिए जाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। आप पूछोगे कितनी एम्प्लॉयमेंट? तो इन्होंने कहा कि 100 लोकल रेजिडेंट्स को जॉब्स मिलेगी और इनडायरेक्टली 250 रेजिडेंट्स को, टोटल में 350 जॉब्स। मार्च 2018 में ही अडानी ग्रुप को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला करीब 1,550 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड यूज करने का मुद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने चीज को लेकर कहा कि ये फॉरेस्ट लैंड जो है ये नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा आरोप है यहाँ पर एयरपोर्ट घोटाले का आरोप। नवंबर 2018 में कैबिनेट 6 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को अप्रूव करता है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट्स का प्राइवेटाइजेशन कराया जाना अपने आप एक चर्चा का मुद्दा है। ये भी सवाल उठाना चाहिए यहाँ पर कि जो एयरपोर्ट प्रॉफिट कमा रहा हो, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सरकार के लिए, उसे क्यों प्राइवेटाइज किया जाता है? जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंदर है और प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका प्रॉफिट जाता है सरकार के पास, जिसे जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो उसका प्रॉफिट सिर्फ एक कॉर्पोरेट कंपनी के पास जाएगा और फायदा भी उसी को ही होगा। पहले एक्सक्यूज दिया जाता था कि जो लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनीज है उन्हें प्राइवेटाइज किया जाए। चलो लॉस मेकिंग में बात समझ में आती है, लेकिन ONGC का एग्जांपल लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में उन्होंने 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था। इंडिया की सेकंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई थी रिलायंस इंडस्ट्री के बाद। लेकिन फिर भी सरकार ONGC को कहती है कि ऑयल और गैस फील्ड्स को प्राइवेटाइज करो। एनीवेज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन पर आए तो नवंबर 2018 में एक कमेटी बनाई गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी। इस कमेटी का काम था क्राइटेरिया डिसाइड करना कि प्राइवेटाइजेशन के बाद एयरपोर्ट्स किसे दिए जाए। इस कमेटी ने दो डिसीजन लिए। पहला, कि जो भी कंपनी इन एयरपोर्ट्स को खरीदेगी उन्हें पहले से कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है इसकी, और दूसरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक कंपनी कितने एयरपोर्ट्स की बिल्डिंग कर सकती है। तो इसके बाद हुआ क्या कि सारे के सारे 6 एयरपोर्ट्स अडानी के पास गए, और अडानी कंपनी के पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी नहीं था एयरपोर्ट चलाने का। अब ये रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों कि जब ये हुआ था तब फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने अपने कंसर्न्स रेज किए थे इसके अगेंस्ट।
इन्होंने कहा था कि ये बड़ी फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, एक ऐसे लीडर के हाथ में एयरपोर्ट दे देना जिसके पास कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं है एयरपोर्ट हैंडल करने का, इससे परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं, सर्विसेज की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस को ओवररूल किया गया और अडानी को 6 एयरपोर्ट्स मिले। अब इसी एलिजिड एयरपोर्ट घोटाले की कैटेगरी में एक और भी एलिजिड स्कैम है, मुंबई एयरपोर्ट का हाईजैक होना। वैसे ये सारे आरोप मैं खुद से नहीं लगा रहा हूं, इन सब एलिगेशन को लगाया गया था ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा पार्लियामेंट में। बस बात यह है दोस्तों, आप इनके बारे में डिटेल में इसलिए नहीं जानते क्योंकि मीडिया में इसकी कोई बात नहीं होती। तो बात कुछ ऐसी है कि मुंबई एयरपोर्ट कंट्रोल में था जीवीके ग्रुप के अंदर। 28 जुलाई 2020 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड करती है इस जीवीके ग्रुप के मुंबई और हैदराबाद के ऑफिस पर, साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के ऑफिस पर रेड डाली जाती है जो की एक ज्वाइंट वेंचर था जो इस एयरपोर्ट को चलाने लगा। इस रेड के करीब एक महीने बाद 1 सितंबर 2020 को अडानी ग्रुप 74% स्टेक एक्वायर कर लेता है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इस 74% स्टेक में 50.5% स्टेक जीवीके ग्रुप का था जो पूरा अडानी के हाथों में। सवाल ये उठाया, क्या ये सहयोग है या दुरुपयोग? जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। दिसंबर 2021 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जनरल डी के सिंह ने राज्यसभा को बताया कि टोटल 8 एयरपोर्ट्स जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हैं, उनमें से 7 एयरपोर्ट्स अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा रन किए जाते हैं। मार्च 2022 में SBI अडानी की नवी मुंबई एयरपोर्ट की सारी डेट को अंडर राइट कर देता है, 12,770 करोड़ रुपए की डेट। अब आप यहाँ पूछेंगे अंडर राइट का मतलब क्या होता है, तो आइए डिक्शनरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर राइट्स एन एक्टिविटी, इट गिव्स इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग एनी कॉस्ट इफ इट फेल्स। यानी बैंक अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, अगर ये फेल हुआ तो बैंक ही कॉस्ट बेयर करेगा। बहुत ही गोल्डन ऑफर इसे कहा जाएगा। चौथा आरोप यहाँ पर लगाया गया है एलिजिड कोल घोटाला। ऑपोजिशन लीडर्स ने एलिज किया कि प्रधानमंत्री मोदी जब फॉरेन कंट्रीज के दौरों पर जाते हैं वो इंडिया के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते, वो अडानी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे आरोप सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स नहीं लगा रहे बल्कि बीजेपी के कुछ लीडर्स भी लगाने लगे। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक क्रोनोलॉजी शेयर करी, हमारी रिसर्च टीम ने इन सारे न्यूज आर्टिकल्स को वेरीफाई किया, ये सच है कि नहीं, ये सारे सच है। ये सुनिए क्रोनोलॉजी। दिसंबर 2021 अडानी ग्रुप अपनी ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन से कोल को एक्सपोर्ट करना शुरू करता है। इस कोल माइन को लेकर वैसे प्रोटेस्ट भी हुए थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट के द्वारा। मई 2022 इंडिया में सरकार कोल पर लगाई इंपोर्ट ड्यूटी को कट कर देती है, 2.5% से लाकर 0% कर दिया जाता है। जून 2022 मोदी सरकार कोल इंडिया से कहती है कि रेडी रहो यहाँ पर 12 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट करने के लिए। जून 2022 NTPC 8,300 करोड़ के कोल इंपोर्ट टेंडर्स को अवार्ड कर देती है अडानी एंटरप्राइजेस को। क्या ये संयोग है या प्रयोग है? सुब्रमण्यम स्वामी ने दो और इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स मिस आउट कर दी। मई 2022 पावर प्लांट्स को अलाउ किया जाता है इंडिया में कि वो ब्लेंडेड कोल इस्तेमाल कर सके जिसमें 30% इंपोर्टेड कोल मिला हो, अंटिल मार्च नेक्स्ट ईयर बिना बायर स्टेट्स का कंसेंट लिए। 26 मई को एक इमरजेंसी कोल ब्लेंडिंग ऑर्डर पास किया जाता है इसके लिए अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। जुलाई के महीने में कांग्रेस लीडर गौरव बल्ला इस चीज के अगेंस्ट कंसर्न रेज करते हैं, कहते हैं कि सरकार अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए काम कर रही है। ऑगस्ट 2022 इस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है, लेकिन जनवरी 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट पावर जनरेशन कंपनी से कहती है कि वो इंपोर्टेड कोल का ब्लेंड यूज करे अप टू 6% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट इन सेप्टेंबर। अब इस पूरी कहानी में एक मेजर पॉइंट मैंने मिस आउट कर दिया। सरकारी ऑफिशियल्स ने खुद ही न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि जो डोमेस्टिक कोल है जो कोयला इंडिया के अंदर से आता है उसकी कीमत होती है अराउंड 1,700 to 2,000 rupees पर टन, लेकिन जो कोयला अडानी के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी कीमत बढ़ती है 17,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए पर टन। यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को इंपोर्टेड कोयला यूज करने के लिए कहा जाए तो 10 गुना कीमत उन्हें पे करनी पड़ रही है। ऐसी ही एक और क्रोनोलॉजी देखते हैं श्रीलंका से रिलेटेड। मई 2019 इंडिया जापान और श्रीलंका की सरकारें एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन करती है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की डेवलपमेंट के लिए, ये कोलंबो पोर्ट में होगी, बड़ी अच्छी चीज है। फरवरी 2021 श्रीलंका इस 2019 की ECT एग्रीमेंट को कैंसिल कर देता है। इंडिया और जापान इतने खुश नहीं होते इसे देखकर। अगले महीने मार्च 2021 श्रीलंका टर्मिनल बदल देता है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, लेकिन फिर ये कहता है कि ये जॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होगा जो कि किया जाएगा श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ के बीच। श्रीलंका की सरकार अपनी प्रेस रिलीज में कहती है कि कैबिनेट अपॉइंटेड नेगोशिएशन कमेटी ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया के हाई कमीशन से और जापानीज एम्बेसी से कि वो अपने इन्वेस्टर्स नॉमिनेट करें। जापान ने किसी इन्वेस्टर का नाम नहीं लिया और इंडियन हाई कमीशन ने अडानी पोर्ट्स और SEZ को अप्रूवल दिया। ये इकलौता फॉरेन प्रोजेक्ट नहीं है जो अडानी के पास गया, ऐसे ही कई और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पोर्ट्स डिफेंस इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड श्रीलंका बांग्लादेश इसराइल जैसे देशों में जो अडानी के पास गए। TMC लीडर महुआ मोहित्रा का कहना है कि अडानी एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ट्रैवल करते हैं उनके फॉरेन दौरों पर, वो बाकी और हेड्स ऑफ स्टेट से मिलते हैं और एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रखा है कि वही रिमोट कंट्रोल है जो प्रधानमंत्री मोदी को चला रहे हैं। अगला बड़ा आरोप है टैक्स इवेजन का। इस नोटिस को देखिए जो दिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, इसकी डेट है मई 2014 की। ऐसे ही कई सारे शो कॉस्ट नोटिसेज एक्चुअली में इशू किए गए थे अडानी ग्रुप की कंपनीज को जो अलेज करते हैं कि टैक्सेस को इवेड किया गया, टैक्सेस सही तरीके से नहीं दिए गए हैं जिनका टोटल अमाउंट है
है 1000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली। एलिगेशन ये है कि यहाँ पर एक शेल कंपनी का इस्तेमाल किया गया, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनीज की किताबों से इधर से उधर भेजे गए, टैक्स हेवंस में भेजे गए, ताकि इतना सारा टैक्स अवॉइड किया जा सके। लेकिन अगस्त 2017 में DRI की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, केवीएस सिंह ने ये सारे चार्जेस जो इस एजेंसी के द्वारा फाइल किए गए थे ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, जो कि अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड के अगेंस्ट लगाए गए। ये एलिगेशन थे कि जो सामान इन्होंने इम्पोर्ट किया था उनकी वैल्यू इन्फ्लेट करके दिखाई गई, यहाँ पर करीब 3900 करोड़ रुपए की बात करी जा रही है। अब फरवरी 2018 में कस्टम डिपार्टमेंट कहता है कि जो ऑर्डर दिया गया था गलत था, इलीगल था और इम्प्रॉपर था। 2017 में डॉक्यूमेंट्स लीक किए गए थे ईडीडब्ल्यू को, इंडिकेट करते हैं कि अडानी पावर लिमिटेड ने अपनी ड्यूटी रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल्स पर नहीं दी थी, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 1000 करोड़ रुपए के बराबर थी। इसके बाद फिर अगला आरोप है लोन से रिलेटेड। सितंबर 2022 में जब अडानी की वेल्थ ऑल टाइम हाई पर थी, जो लोन्स अडानी ग्रुप के पास थे वो भी ऑल टाइम हाई टच कर रहे थे, 2.2 लाख करोड़ रुपीज। 30 जनवरी को एक इंटरव्यू दिया था अडानी ग्रुप के CFO ने CNBC TV18 को, जिसमें उन्होंने बताया कि टोटल जो अडानी ग्रुप की डेट है वो $30 बिलियन आज के दिन $1 करीब 82 रुपीस के बराबर है, तो 1 बिलियन करीब 8000 करोड़ रुपए हो गया, अप्रॉक्सिमेटली 2.48 लाख करोड़ रुपीस होता है। इसमें से अप्रॉक्सिमेटली 74,000 करोड़ रुपीस इंडियन बैंक्स को ओ किया जाता है। जो बैंकों ने डिस्क्लोजर्स किए थे उनसे हमें पता चलता है कि SBI को अडानी ग्रुप 40,000 करोड़ रुपीस ओ करता है, PNB को 7,000 करोड़ रुपीस, और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये डिक्लाइन कर दिया ओपनली डिस्क्लोज करने से कि कितना अमाउंट है, लेकिन लाइव मिट की रिपोर्ट के अनुसार ये कैलकुलेट किया गया है अराउंड 5,380 करोड़ रुपीस। ये सारे बैंक सरकारी बैंक हैं, जनता के हैं, और एक कंपनी इन सरकारी बैंकों को 52,380 करोड़ रुपीस के अराउंड रेट ओ करती है। अब लोन से रिलेटेड आरोप यहाँ पर लोन राइट ऑफ का है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक RTI फाइल करी थी जिसमें बताया RBI ने कि पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए गए हैं बैंकों के द्वारा। अब राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि बैंक्स कभी रिकवर नहीं करेंगे, कोशिश करना बंद कर देंगे रिकवर करने की, लेकिन बैंकों ने इसमें से सिर्फ 1.32 लाख करोड़ रुपीस के लोन्स को एक्चुअली में रिकवर किया है, जो कि सिर्फ 13% होता है राइट ऑफ का। 2018 और 2021 में BJP लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था अडानी के ऊपर कि वो NPA के ट्रैपिंग आर्टिस्ट है, NPA यानी बैड लोन्स। अडानी ने इन एलिगेशन को काउंटर किया था कहते हुए कि कोई भी NPA नहीं है एक्चुअली में अडानी ग्रुप के पास। अगला आरोप है शेल कंपनीज को लेकर। मंगवा मोहित्रा ने बात करी मॉरिशियस बेस्ड शेल कंपनीज की। दिस ग्रुप कंपनीज हैव अमैस्ड नियरली 42,000 करोड़ इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम 6 मॉरिशियस बेस्ड फंड्स। दीस फंड्स हैव कॉमनालिटीज लाइक कॉमन एड्रेस, कॉमन कंपनी सेक्रेटरी, कॉमन डायरेक्टर्स। उन्होंने पूछा कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी गई 2019 में ही, जब उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू इन्वेस्टिगेट दीस फंड्स, आई ब्रॉट दिस अप इन दिस हाउस इन 2019। उन्होंने 40 और शेल कंपनीज को मेंशन किया जिन्होंने अडानी ग्रुप पे पैसा लगाया अपना। इन्होंने कहा कि फंडिंग को मैनेज किया जाता है अडानी के भाई के द्वारा और एक चाइनीज आदमी के द्वारा जिसका नाम है चैंग चुंग लिंग। DRI के रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि चैंग चुंग लिंग और विनोद अडानी सेम रेजिडेंशियल एड्रेस शेयर करते हैं। अडानी ग्रुप ने इस एलिगेशन को लेकर कोई कमेंट नहीं किया। आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, ये जो अभी आपको मैंने सारी एलिगेशन सुनाई ये पूरी नहीं है, एक एक करके ऐसे ही लिस्ट डाउन करने बैठ गया तो 2 घंटे का वीडियो बन सकता है। अभी के लिए ये जान लेते हैं कि आगे क्या हुआ। ऑपोजिशन ने इन सारी चीजों की बात पार्लियामेंट में करी, एक JPC की डिमांड करी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन सारी एलिगेशन। रिस्पॉन्स में बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ इन सारी एलिगेशन। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि और क्या प्रूफ चाहिए, ये सारे जो न्यूज आर्टिकल्स हैं इन सारी एलिगेशन को लेकर ये सब पब्लिकली मौजूद है। क्या जो जमीन दी गई थी अडानी को वो इतने कम प्राइस पर नहीं दी गई थी? अगर ये बात गलत है तो बीजेपी की तरफ से बताया जाए कि कितने दाम पर दी गई थी वो जमीन। अगर जमीन दी ही नहीं गई थी तो बीजेपी बता दे कि जमीन नहीं दी गई थी। क्या 6 एयरपोर्ट्स को लेकर रूल्स बदले गए थे? क्या एक ऑर्डर पास नहीं किया गया था कि जबरदस्ती पावर जनरेटर्स अपनी 10% रिक्वायरमेंट पूरी करें इंपोर्टेड कोयले से? क्या उन्होंने इंपोर्टेड कोयला 10 गुना ज्यादा प्राइस पर नहीं लिया था डोमेस्टिक कोयले से? नहीं लिया था तो बता दे कि कौन से दाम पर लिया गया था? इन सारी एलिगेशन के रिस्पॉन्स में प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना था? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपना सरनेम नेहरू के सरनेम पर क्यों नहीं रखे? मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली वो यही जवाब था प्रधानमंत्री मोदी का पार्लियामेंट में। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता हुआ है। एक्चुअली में इसके पीछे रीजन है कि राहुल गांधी का सरनेम आता है उनके ग्रैंडफादर से, उनके ग्रैंडफादर यानी फिरोज जहांगीर गांधी जो कि फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन इनका सरनेम लिखा जाता था GHANDY। आजादी की मूवमेंट के दौरान ये महात्मा गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे, तो इंदिरा नेहरू से शादी करने से पहले ही इन्होंने अपना सरनेम बदल लिया था, गांधी की जगह गांधी कर दिया, बाई की जगह आई लगा दी। यही कारण है कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी बन गई और उनके आने वाले बेटे ग्रैंडसन्स ग्रैंडडॉटर सभी यही सरनेम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम का मुद्दा बन रहा है कि इसकी वजह से इन एलिजिट्स कैंप्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राहुल गांधी जी से कि वो अपना सरनेम बदल लें, वो राहुल नेहरू अपना नाम कर लें, ताकि ये जो सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है ये स्मूथली हो सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, इतने बड़े बड़े आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे इन आरोपों को वेरीफाई करने के लिए, और दूसरी तरफ से जवाब में कुछ नहीं मिलता। कोई इन्वेस्टिगेशन कराना तो छोड़ो, इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी नहीं करी जाती। मीडिया भी यहाँ पर अपनी पूरी चुप्पी बनाए रखता है, और सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग जब अपना मुंह खोलते हैं या तो अडानी की बायोग्राफी सुनाते हैं या फिर आई स्टैंड विद अडानी चलाते हैं। क्या सोच सकते हो ऐसा देश के इतिहास में कभी भी हुआ हो? बहुत बहुत धन्यवाद। टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट अदानी। लेकिन यार एक चीज मैं बोलूंगा कि मुझे ध्रुव राठी की वीडियोस
का कंटेंट अच्छा लगता है यार, बंदा बड़ी रिसर्च करता है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव चैनल होने चाहिए जो अगाही करें, जो विसल ब्लोइंग करें। और कुछ चैनल हैं लेकिन वो इस लेवल पे काम नहीं कर रहे जिस लेवल पे ये 3-4 चैनल इंडिया की तरफ से काम कर रहे हैं। और मुझे मजा आता है यार ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जानने को मिलता है और आई लव टू लर्न। बाकी अडानी वाला सीन मजे का लग रहा है, कुछ क्रिएटिव चल रहा है भाई ने, पैसा ऐसे ही नहीं छापा है। वो एक लाइन है ना कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर मस्ट बी सम क्राइम्स, ये वही बात है कि ग्रेट फॉर्चून ऐसे ही नहीं मिल जाता। बाकी ओवरऑल ये है कि वीडियो अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है अडानी साहब के साथ। राहुल गांधी के अगर सरनेम के ऊपर इशू हो रहा है तो सरनेम चेंज कर लो एटलीस्ट, इंक्वायरी तो बैठे। ये उनका पर्सनल मसला है, उनका इंटरनल मसला है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोग मुझे कमेंट कर देंगे अपने मुल्क का देखो ये तो वो। और बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू शेयर फॉर मोर वीडियोस। और मैंने जो अभी एन यू के साथ ऊपर रिएक्शन किया वो भी वीडियो देख लो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। मैं जा रहा हूँ सोने, रात सारी नहीं सोया, सुबह के 8 बज रहे हैं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर, प्लीज़।